हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग सीटेट 2019 का पेपर वन, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ, हिंदी की क्लास 1। जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा, सबसे पहले हमारा कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, अपठित गद्यांश जिसे हिंदी में कहते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, हम आज उस पर बात करेंगे। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, बट पेपर के लिहाज से हमें कैसे इसे सॉल्व करना होता है हम वो देखेंगे। बच्चों के अकॉर्डिंग तो ये दूसरे टाइप का होता है, लेकिन एज अ टीचर हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। सीटेट जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसका पेपर वन जो कि क्लास 1 to 5 का होता है, इसकी हम पूरी तैयारी अपने चैनल पर कराएंगे। चाहे हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, डेवलपमेंट हो, चाइल्ड डेवलपमेंट, और या फिर हमारा एनवायरनमेंट का पेपर हो, सारी तैयारी हम यहाँ पर आप लोगों को कराएंगे। और एक एक चीज़ की यहाँ पर तैयारी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। हम उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर देंगे आपको एज अ क्वेश्चन बैंक। तो आप उसे घर पर बैठ के अपना हमारी सीरीज देखने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो सके। तो जैसे हम, मैं सुबह एक लेसन लेकर आऊँगी, शाम को उसके रिलेटेड क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगी। और ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके क्वेश्चन बैंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पर भी अपलोड कर लूँगी, ताकि वो आप वहाँ से देख के उसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सीटेट 2009 की आज पहली क्लास, जो कि मैं हिंदी की शुरू कर रही हूँ, कॉम्प्रिहेंशन अपठित गद्यांश के रूप में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपठित गद्यांश क्या है। शुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वह गद्य खंड जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहा जाता है। ऐसा कोई भी पूरा सेंटेंस, वाक्य, पूरा एक पैराग्राफ जिसको हमने पहले कभी ना पढ़ा हो उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। और उसी के बेस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका हमें आंसर करना होता है। इसके भी कई स्टेप्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि एक क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं, और अगर हम प्रॉपर आंसर पर पहुँचेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पर मार्क्स हमारे कट जाएंगे। इसीलिए इसको भी एक प्रॉपर वे और नियम के आधार पर हमें करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं ये। अपठित गद्यांश, वह गद्यांश जो पढ़ा हुआ नहीं होता अपठित गद्यांश कहलाता है। यह गद्यांश पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अलग अन्य पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही से समझा दिया है। अपठित गद्यांश के शैक्षणिक उद्देश्य क्या होते हैं, अब क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है। अपठित गद्यांश तो दिए ही जाएंगे एग्जाम में, बट क्वेश्चन अंदर से भी यहाँ हमें बना के दे सकते हैं। तो इसका शैक्षणिक उद्देश्य होता है, अपठित गद्यांशों के अभ्यास से छात्रों के बौद्धिक स्तर का, भाव ग्रहण शक्ति का, सामान्य ज्ञान में यहाँ पर वृद्धि होती है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपठित गद्यांशों को सॉल्व किया जाएगा, उससे उतनी ही अधिक से अधिक बौद्धिक स्तर में वृद्धि होती है बच्चों की। नेक्स्ट, गद्यांशों को पढ़कर समझने, उनका चिंतन मनन करने तथा उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से छात्र के भीतर भाषा को अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे वो लैंग्वेज आपकी अच्छी होती जाएगी। इनको पढ़कर छात्रों का बहुमुखी ज्ञान बढ़ता है। जब वो निबंध आदि रचनात्मक कार्य करते हैं तो ये ज्ञान उनके लेखन को सहज, रोचक और प्रभावशाली बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक क्रियाओं में प्रगति होती है ऐसा करने से। नेक्स्ट, परीक्षा में साधारण निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाता है, अवतरण कोई दिया होगा हमें कॉम्प्रिहेंशन, उस अवतरण का सारांश लिखना होगा या भावार्थ लिखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपयुक्त शीर्षक देते हुए अवतरण का भावार्थ अपनी भाषा में लिखिए, प्लस शीर्षक भी पूछा जाएगा। और एग्जाम में हमारे एक क्वेश्चन दिया होगा कि ऊपर जो कॉम्प्रिहेंशन दिया है उसका उपयुक्त शीर्षक बताइए। शीर्षक चारों उपयुक्त होंगे जो कि ऑप्शन में दिए होंगे, बट आप कितना अच्छे से उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसकी, उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें। उसमें यहाँ पर शीर्षक का उत्तर देते समय आपको उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना चाहिए जो कि अवतरण से बिल्कुल मैच करता हो। आप अपनी लैंग्वेज में इसे नहीं लिख सकते, आपको अवतरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट,
अवतरण की व्याख्या कीजिए और अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बनाइए, बताइए। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेखांकित अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दिए गए प्रश्नों को हल करिए। तो इसमें ऑप्शंस आपको देंगे और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का सही चुनाव करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अपठित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय छात्रों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एज अ टीचर बनने जा रहे हैं टीचर के रूप में, तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और आप उन लोगों को क्या क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप ये चीज़ें ध्यान दें जब आप अपठित गद्यांशों को पढ़ते हैं। तो आप खुद के लिए भी जो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी जो आप को जिनको पढ़ाना है, दोनों के लिए ये कॉम्प्रिहेंशन के ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कैसे इसका आंसर देना चाहिए। सर्वप्रथम अपठित गद्यांशों को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसके मूल भाव को समझना चाहिए कि ऑथर उसमें कहना क्या चाहता है। सेकंड है, गद्यांशों की मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। आप मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में क्लिक होगा तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि क्वेश्चन नीचे क्या था और इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप वहाँ रेखा लगा सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं। थर्ड है, गद्यांशों पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तरों पर गद्यांशों में निशान लगाना, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अपठित गद्यांशों की भाषा तथा उद्धरण का यथावत प्रयोग करने से अंक नहीं काटे जाते हैं। जैसे उन्होंने अपठित गद्यांश में भाषा दी गई है, एज इट इज़ अगर उसका यूज़ करते हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और उनकी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि शीर्षक पूछा जाए तो अपठित गद्यांशों के आधार पर 1 या 2 शब्दों में ही देना चाहिए शीर्षक को। शीर्षक बहुत लंबा, एक लाइन नहीं होनी चाहिए। शीर्षक का शब्द 1 या 2 या 3, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बड़ा शीर्षक होना। शीर्षक का मतलब कि आपका शीर्षक देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस गद्यांश में कहा क्या गया है, किस बारे में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतरण का भावार्थ है वो कैसे लिखा जाना चाहिए, तो दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक कई बार पढ़ना चाहिए ताकि ये समझा जा सके कि किस विषय में लिखा गया है वो अवतरण। शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, शब्दों में आए विभिन्न भावों को रेखांकित करना चाहिए और इन भावों को क्रम से अपनी भाषा में इस प्रकार लिखना चाहिए कि आपका लेख पढ़ने योग्य संक्षेप में व्यक्त किए गए गद्यों का आपस में संबंध हो। मतलब कि पहली लाइन और दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली आपस में रिलेट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पहली लाइन कुछ कह रही है और दूसरी लाइन कुछ कह रही है। नेक्स्ट, भाषा बिल्कुल साधारण होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए और अंत में भावार्थ को एक बार दोहरा लेना आवश्यक है। भाषा बिल्कुल अपने ही लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी लैंग्वेज में आप वहाँ पर लिखेंगे और जहाँ पे भी जितने भी विराम चिन्हों का, कॉमा का, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का जैसे जैसे यूज़ हो रहा है वहाँ प्रॉपर यूज़ आपको करना चाहिए और एक बार रिवाइज ज़रूर करने लेना चाहिए कि आपकी कोई ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो, आपकी कोई विराम चिन्हों की मिस्टेक ना हो, तो ये ज़रूर यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे शीर्षक के संबंध में क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, तो दिए गए अवतरण का आने के पश्चात इस आशय को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मतलब कि जो शीर्षक होना चाहिए वो अभी जैसे कि हमने पहले बात की, 1 शब्द में 2 शब्द में और अधिक से अधिक 3 शब्दों का शीर्षक होना चाहिए। 1 शब्द या 1 वाक्यांश अथवा 1 छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई शीर्षक तो आप 1 वाक्य लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि मेहनत सफलता की कुंजी है, इस टाइप के वाक्य आप, 1 वाक्य हो गया एक और छोटा सा भी हो गया, तो इस हिसाब से आप शीर्षक लिख सकते हैं। शीर्षक बहुत संक्षिप्त और प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब यहाँ होता है कि जो भी आपको अवतरण या कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप ये नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन में कहा कुछ और है, आप शीर्षक कुछ और दे रहे हैं, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हमने पूरा अच्छे से समझा कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसका शीर्षक कैसे लिखना चाहिए और क्वेश्चन आंसर पर कैसे ध्यान देना चाहिए। ये आप ही के लिए नहीं, आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कॉम्प्रिहेंशन आपके सीटेट के एग्ज़ाम के साथ साथ आपके जो DSSB का आपको जो वैकेंसी निकलेगी उसके एग्ज़ाम में भी काम आएगा, प्लस आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाने के लिए भी काम आएगा। तो ये सारी जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो थी आप लोगों के लिए थी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है अच्छे से तो मेरे चैनल को प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और
बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी और इसके आधार पर जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बैंक है वो भी मैं आपको साथ के साथ कराते हुए चलूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।